हेलो गाइस, ये है मोटो जैक जो हमने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। और इस मोटो जैक के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है चेन को लुब्रिकेट करना। और बाकी वैसे तो अगर आप मैनुअली करने लगें तो दो आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, एक जो बाइक को आगे मूव करे और एक जो पीछे से स्प्रे लेके उसको क्लीन। वो वेरी टफ जॉब हो जाती है, मगर मोटो जैक के थ्रू ये बहुत इजी हो जाता है। हम आगे इसका डिटेल रिव्यू भी देखेंगे। अभी हम इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। लेट्स अनबॉक्स। वैसे मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें चेन को मैंने लुब्रिकेट करा है अपनी बाइक की, और उसमें वो मैंने मैनुअली करा है किसी बंदे के साथ। तो आप उसमें देखिएगा कि कितना हार्ड पड़ता है बाइक को लुब्रिकेट करना। और इस मोटो जैक के थ्रू कितना इजी हमारे लिए ये हो जाएगा। देखिए इसकी पैकिंग कुछ दिखती है ऐसी, मोटो जैक स्टैंडर्ड। और वैसे तो बॉक्स पे कुछ इतना ख़ास इन्होंने मेंशन नहीं किया है। एक मोटो जैक वेलक्रो स्ट्रैप आता है इसमें जो हमारे ब्रेक को होल्ड करने में अच्छा करता है। 2 एंटी स्किड रबर पैड भी हैं और कैरी पाउच जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दिए हैं, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जैसे चेन को लुब्रिकेट करने से पहले आप इंजन को ऑफ करें और मेक श्योर द मोटरसाइकिल इज़ इन न्यूट्रल। सो गाइस ये बहुत सारे हैं, इसको ज़्यादा पड़ता है। अब इसको हम ओपन करते हैं। जस्ट कवर, वैसे पैकिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। और हियर इट इज़ गाइस, ये एक हैप्पी कस्टमर जैसे क्या वो बोलते हैं ना, लाइक रिव्यूज़ के लिए ये वो पैड हैं। और वैसे पैकिंग तो काफ़ी अच्छी उन्होंने दी। और ये हमारा मोटो जैक, ये वेलक्रो स्ट्रैप है, आई थिंक वो कैरी केस है या सर कैरी केस है। सो ये है। सो ये वर्क कैसे करता है इसे हम देखते हैं। ये वर्क ऐसे नॉर्मली इसको ये पैड नीचे लग जाएंगे, और उसके बाद ये पार्ट, इसका ये पार्ट बाइक के स्विंग आर्म्स जहाँ लगते हैं वहाँ लगेगा। और उसके बाद इसको जस्ट ओपन करने के बाद इसको जब हम टच करेंगे तो ये सीधा ऐसे करके इसको पुश करेंगे। देखें ऐसे लगाने के बाद जब हम इसको पुश करेंगे ये सीधा हो जाएगा, तो इससे बाइक टिल्ट हो जाएगी इस साइड से। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल से इन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छा हैवी मटेरियल है इसका। और ये दावा करते हैं कि ये, मेरे पास तो यामा R6 है तो ये उसके लिए बेस्ट इन्होंने बोला है कि हाँ। मैंने इनको मेल किया था तो ये बोल रहे थे कि हाँ ये आपकी R6 के साथ कंपैटिबल है। और बाकी इंडियंस बाइक की अगर बात करें, R15 KTM ड्यूक, सो बाकी और बाइक्स पर भी ये तो इजीली काम करेगा। सो गाइस आपके लिए बाद में रिव्यू डालते हैं, डिटेल रिव्यू।